मथुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने बुलियन कारोबारी से हुई लूट का खुलासा कर 44 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद कर चार मुख्य लुटेरों सहित 7 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूट के मुख्य आरोपी अरविंद पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। आपको बता दें कि मथुरा में 10 दिन पहले अज्ञात बदमाशों में शहर के बुलियन व्यापारी से 1 करोड़ से ज्यादा की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना में शामिल 4 बदमाशों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा गुरुवार को पुलिस लाइन में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने किया है। मथुरा का ये पूरा मामला, जहां पर कुछ दिन पहले ही 1 करोड़ से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा अब कर लिया गया है। साथ ही साथ जो लुटेरे थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिन पहले 16 तारीख को जनपद मथुरा में एक बड़ी और सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें एक व्यापारी से 1 करोड़ 5 लाख रुपए लूटे गए। इस घटना को सभी ने एक चैलेंज के रूप में लिया और आईजी रेंज आगरा के क्लोज सुपरविजन में, एसएसपी मथुरा के लीडरशिप में और यहाँ के सभी अधिकारी, उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। 9 दिन के अंदर इसमें मथुरा पुलिस को सफलता मिली। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है, इसका खुलासा आज किया गया है। दरअसल मथुरा की अगर बात की जाए तो मथुरा में कई दिनों से लूट जैसी जो घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बुलियन कारोबारी से भी ये लूट की गई। इससे पहले भी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया।